नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ एक पेशेंट है जिनका नाम है मकसूद अली। मकसूद अली जी, कहाँ रहते हो? यूपी में रहती हूँ। यूपी में कहाँ पर? रामपुर। रामपुर, अच्छा। आपको यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू हुए कितना टाइम हुआ है? 15 दिन हो गए। और 15 दिन पहले क्रिएटिनिन लेवल कितना था? 15 दिन पहले था 10-11। तब डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या करना है? डॉक्टर ने तो धुलाई किया था, डायलिसिस के लिए बोला जी, था जी। शरीर में उस समय क्या दिक्कत हो रही थी? शरीर में तो परेशानी थी। बताओ क्या हो रही थी? चलने फिरने की भी थी, हाँ। सांस लेने की भी थी, हाँ। सभी चीज की परेशानी लगती थी मुझे। सूजन तो नहीं थी? सूजन भी थी सर, सूजन भी थी, पैरों पर सूजन भी थी। अब 15 दिन में क्या बदलाव आया? पहले बताओ क्रिएटिनिन लेवल कितना हो गया? 15 दिन में सर इतना बदलाव आया कि मुझे तो आधा आधा लगा, आधा बदलाव, आधा बदलाव हो गया। अभी क्रिएटिनिन लेवल कितना आ रहा है? अब 6 आ रहा है जी। तो 11 से क्रिएटिनिन लेवल 6 आ गया 15 दिन के अंदर। शरीर में और क्या बदलाव हुआ है? ताकत भी लग रही है शरीर में, खून भी बड़ा हुआ लग रहा है, सभी चीज से स्वस्थ लग गया। कहीं से बीमार लग रहे अपने आप को महसूस? ना, मैं तो कोई महसूस नहीं कर रहा हूं सर। तो 15 दिन के अंदर भी क्रिएटिनिन लेवल 11 से 6 आ सकता है, मगर उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है जैसे मकसूद जी ने करी। आपको अपना खाना पीना भी बदलना पड़ेगा, अपनी मेडिसिन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपना बीपी शुगर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पेशेंट अगर सही तरीके से चलता है तो 15 दिन भी बहुत होते हैं पेशेंट को डायलिसिस से निकालने के लिए। बाकी जो पेशेंट हैं किडनी के, उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं तो साहब ये कहना चाहूंगा कि इधर आधर भटकने के बजाय यहाँ से दबा लें। चलिए, धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप काफी कुछ समझ गए, आपने पेशेंट से भी लिया। फिर भी कोई डाउट हो, मैं अवेलेबल हूँ, डॉक्टर की टीम अवेलेबल है, मिलते रहेंगे हम। ठीक है, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।